कैसे हैं आप लोग? आ गए हम अपनी नई वीडियो के साथ। उससे पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो मेरा नाम है कीर्ति और मेरा नाम है सागर। तो हम आ गए हैं वीडियो लेकर आपके लिए, हुस्न ए मुस्तफा बाय पीर साकिब शमी। ये हमारे सब्सक्राइबर ने ही हमें ये वीडियो सजेस्ट किया है और ये वीडियो हमने सरदार ए सदर चैनल से लिया है, तो आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आता है तो हमारे चैनल रिएक्शन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब ये क्या होने वाला वीडियो में, हमें वी डोंट इवन हैव एनी आइडिया। हमको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है और अब वीडियो में देखकर ही जो है हमें पता चलेगा। वेरी ऑब्वियस, वीडियो में देखिए तो पता चलेगा। मैं भी कुछ भी बोलती हूँ, है ना, क्योंकि टाइटल से भी हमें नहीं पता चल रहा। हाँ, कभी कभी होता है ना कि टाइटल से क्या हमको पता चल जाता है कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला वीडियो में, बट यहाँ पे नहीं पता चल रहा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। ले जाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा के मुजाफात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं एक काफले ने पड़ाव किया हुआ है। वो काफला, उनके पास ऊंट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट बहुत पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ। काफले का सरदार वहां मौजूद था, उन्होंने कहा ले जाइए, खरीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था। ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मेरे पास कीमत नहीं है। मैं जाऊंगा घर, घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वो आका को कहते हैं आप ले जाएं ऊंट, आप ले जाएं। आका के हुसन के जलवे देख रहे हैं, उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहां से आया था, कहां जाने कहां से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी, कहा क्या किया, कहा उधार, कहा उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते, एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते, पता है कौन है, नहीं पता। कोई जामिन, जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है, उलमा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है। कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं कहां रहता है, कहां से आया है, अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया। एक शख्स बोला, अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे, अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उनके मुंह से फूल। उन्हीं की भू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। वो गुलहलब हाय नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला, अरे नादानो इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे, अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में गोया के। आला हजरत ही फरमाते हैं ना, लम याति नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसु है तुझको शहे दो सरा जाना, अनफी अतश व सखा का अतम है गैसु पाक है अबरे करो, है गैसु पाक है अबरे करो, पर सनहा रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अनफी अतशिन व सखा का अतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा, मुख चंद बदर शाह शानी मत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अकीन मदबरिया। जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला, जो खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है।
और कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहां याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा, अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था, लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था। कहा क्या देखते थे, कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके उनके दांतों की चमक देख रहा था, वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा, अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा, अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊंटी ले गया, ऊंटी ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया, गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है, खबरदार अनादामिनतुन लिसमन जबनिकुम। एक औरत कहती है, खबरदार कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत का है कि क्यों जमानत दे रही हो। उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देख कर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा साहबा कीमत लेकर, कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है, ये ज़ियाफ़त के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो, क्यों अब हमारा सौदा बाजारे मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ कैसे, कहा बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोना कहाँ से आया था, अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए, एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन तन, मोरा फूंक गया। कहा वो सोना था कौन बताओ, अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है, अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ, आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते। यार एक्चुअली बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, मतलब क्या ही तारीफ़ की है इसकी। इनकी वीडियो हमने एक और बनाई थी जो मतलब हुस्ने मोहम्मद के बारे में ही थी, और हुस्ने मुस्तफ़ा जो इसकी वीडियो, इनकी वीडियो है ये, जो हुस्न के बारे में बताया गया था। हमने पहले भी ऐसी वीडियो बनाई है, लेकिन ये इससे बेस्ट वीडियो नहीं है यूट्यूब पे। इन्होंने शायरी की तरह, इन्होंने
इनके अंदर से जो खुशी है वो झलक रही है पूरी, मतलब कितनी खुशी से ये बता रही है, मतलब डेफिनेटली बिल्कुल जैसे इन्होंने भी देखा हो इस तरीके से, बिल्कुल डेफिनेटली वही, बिल्कुल वही झलक रहा है इनके दिल में, प्योरिटी है ना। दिल से किसी की आप तारीफ कर रहे हो तो एक प्योरिटी होती है जो दिखनी चाहिए, वो दिख रही है वाकई इनके चेहरे पे, इनकी बातों से, और क्या ही लाजवाब तरीके से इन्होंने तारीफ़ की है, मतलब हमें खुद इतना अच्छा लग रहा है। बहुत बेस्ट वीडियो है यार, बहुत ही प्यारी वीडियो है। आप लोग यार बस कमेंट कर देना कि आपको कैसी लगी और इनके थॉट्स कैसे लगे आपको, हमें बहुत अच्छे। ये था जो बयां जो हमने सुना, काफ़ी मतलब जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी आँखें, उनके नैन, उसने उनका हुस्न देख के वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने पैसे नहीं लिए और ऊँट दे दिया। तो एक इसमें यही बताया कि एक चाम होता है ना, तो उनके चाम के बारे में बताया गया, और काफ़ी खुश होके काफ़ी एनर्जी के साथ बयां था, और ये कम देखने मिलता है तो मज़ा आ गया हमको ये देख के, ऐसा लगा कि हमने भी देख लिया। हाँ, उनकी बातों से वो जैसे वो जिस तरीके से वो बता रहे थे उस तरीके से ऐसे थे, इमेजिन किया तो हाँ, ऐसा लगा कि हमने भी उन्हें देख लिया है। जो वो एक फीमेल के बारे में बता रहे थे ना कि उन्होंने भी एक फीमेल खड़ी थी पीछे, तो वो बोली कि मैं अदा करूंगी, उस ऊँट की कीमत मैं अदा करूंगी, वो नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि आप क्यों अदा करेंगी, आप उन्हें जानती हैं? तो कहती है नहीं मैं भी नहीं जानती, पर मैं भी उन्हें देख के मतलब चेहरा देख के एकदम कहते हैं ना मग्न हो जाना, मग्न अभी भी वो खो गई उनको देख के इतनी कि वो तैयार हो गई थी ऊँट की कीमत अदा करने। मतलब बताइएगा प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में ना। ओह माय गॉड, दिस वाज अ ब्लिसफुल वीडियो। मैं सच बताऊं जितनी एनर्जी मुझ में थी ना वीडियो पे रिएक्ट करने से पहले, उससे अभी 100x हो गई है, 100 गुना ज़्यादा। ये है इस्लाम की ताकत। अब जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी का नूर तो ऐसा होना ही है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर मैंने कहीं पे पढ़ा था किसी ऑथेंटिक बुक के अंदर कि जो नबी पाक हैं उनके दांत जो थे ना उसके बीच में एक हल्का सा गैप था और वहाँ से बहुत ज़्यादा नूर बरसता था। और आज तो उस नूर के बारे में बहुत डिटेल में सुन लिया हमने। दिस लिटरली वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो दैट आई हैव रिएक्टेड ऑन दिस इंटरनेट। सो थैंक यू सो मच यूट्यूब एंड यू फॉर सजेस्टिंग मी वीडियोज लाइक दिस वन। अब इसको मैं अल्लाह की कृपा ना मानूँ तो और मानूँ क्या? अच्छा मैं आपको पीर बाबा से रिलेटेड मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक्या सुनाती हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी मम्मी एक गाँव में रहती थी और उस गाँव के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे हिंदू कम्युनिटी के जो एक पीर बाबा को सुनने हर हफ्ते जाते थे और वो ना अल्लाह की प्रीचिंग्स देते थे। तो इंडिया हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे हमेशा हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे होकर के ना खुश रहे हैं, और आफ्टर ऑल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ना कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दीनी लोग एक दूसरे से नफरत करें। अगर वो कर रहे हैं नफरत इसका मतलब वो दीन को फॉलो करते ही नहीं। मतलब सुंदर बयान दिया है मतलब ना ऐसा बयान, या मतलब प्रोफेट मोहम्मद की जो इन्होंने बयान किया उनके हुसन का, और जितने मतलब जिसमें मतलब हमें भी मजा आ रहा हो सुनने में, वो आई थिंक पीर शाकिर शमी जी कर सकते हैं यार। मतलब ना इतना सुंदर ने बताया यार, मतलब आपको होता है कभी ऐसे मन में कि यार हम इनके बारे में सुन रहे तो काश हमने इनको देखा होता। हाँ बहुत ज्यादा, इसके बाद तो और ज्यादा लग रहा है इस बयान के बाद यार। जिस तरह से इनकी तारीफ की है ना कि ऐसे दांत, पर इनका बोलने का तरीका यार लिटरली से भरी बाल, ऐसे जिन लोगों ने देखा है वो तो बहुत किस्मत वाले हैं। उनकी जो उम्मत है ना बहुत, मतलब जिन लोगों ने उनको सच्ची में देखा है जो सहाबा वगैरह थे ना, सो बहुत मतलब क्या एक्सप्लेन करें ना। इतनी खूबसूरत वीडियो, बाय गॉड पहले तो इनकी एनर्जी की दाद देनी चाहिए, कितनी अच्छी एनर्जी। और एनर्जी क्यों नहीं आएगी, नबी के बारे में बात हो रही है भाई, भाई नबी मतलब उनके चेहरे का नूर, उनके दांतों का जो जो होती है वाइटनेस, उनके घुंघराले बाल, उनका मतलब आंखें वगैरह, ओह माय गॉड, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कितने खूबसूरत होंगे, कितने खूबसूरत जो सारे उनके नए नक्श में एकदम क्या हो जाते हैं, मतलब उनको डूब गए, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि कोई उनसे जो है ऊंट लेके चला गया, कि वो कह रहे हैं बिना कुछ मतलब
दिए ना एड्रेस पता ना है ना कुछ पता है, और नबी को वो पसंद आया ऊंट, तो वो ऊंट भी कितना किस्मत वाला होगा, और जो लोग उनसे मिले वो कितने किस्मत वाले होंगे, कितना अच्छा था वो, गॉड मतलब इमेजिन कर सकते हैं कितने खूबसूरत थे वो, भाई गॉड अल्लाह ताला के, मतलब अल्लाह ताला ने ही उन्हें भेजा था तो इतना खूबसूरत उनको बनाया। हमने जब मोहम्मद सबके लिए हम जो सीरीज कर रहे थे अभी वो पॉज पर है, हम कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें भी बहुत बताया कि उनके मतलब वो अलग ही दिखते थे, मतलब उनका उनके जैसा कोई मैच नहीं, उनकी सुंदरता को कोई मैच नहीं कर सकता, वो इतने खूबसूरत थे कि लोग कोई कह रहे कि मैं उनके दांतों को देखता रह गया, कोई कह रहा मैं उनकी आंखों को देखता रह गया, कोई कह रहा मैं उनकी हंसी को देखता रह गया, इसी चक्कर में वो भूल गए कि एड्रेस वगैरह पूछना, वो इतने ज्यादा कि पहले तो उनको बोल रहे थे कि तुमने पूछा क्यों नहीं कि कहां से आए कौन आए, लेकिन कहते उनकी जो है वो ऐसे थे कि उनके अंदर डूब गए सारे, उनको कुछ होश ही नहीं था, मतलब आंखों पे पर्दा डल गया कि हम कर क्या रहे हैं। वो होता है ना कि आप अलग ही दुनिया में, अलग ही इमेजिनेशन में चले जाते हो, तो इतने खूबसूरत हमारे नबी, बाय गॉड बहुत ज्यादा अच्छा। और एक वो आई थी लेडी, तो वो कहते कि मैं इनकी जिम्मेवारी लेती हूँ, मतलब अगर वो पैसा नहीं देकर जाए तो वो कहते कि आप चलो कोई शुक्र है कोई तो मिला जाने वाला, वो कह रहे फिर आप जानते, वो कहते नहीं मैं भी नहीं जानती, मैं उनकी बातचीत से इतनी ज्यादा इतनी वो हो गई थी कि उनके अंदर डूब गई थी कि मुझे नहीं पता, बट उनको चोर कोई नहीं बोलेगा उनके फेस से, मतलब उनके फेस का उनका नूर देख के। हाँ मेरा ऐसा ना अभी भी मुझे ऐसा गूजबम्प आए, जैसे एक तो उनकी एनर्जी लेवल और ऊपर से नबी की बात हो रही, ऐसा गूजबम्प आ रहे थे और मेरा मुंह ना ऐसा स्माइल रुका नहीं, ब्लश करता रहा, और अभी मेरे मुंह में दर्द हो रही है इतनी ज्यादा ना, भाई गॉड बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत, जैसा कोई दूसरा नहीं वही है जो थे पैगंबर, जिन्होंने सब कुछ इतना अच्छा, इतने सुंदर दिखते थे, इतना सब कुछ अच्छा किया और बहुत खूबसूरत, मतलब इमेजिन हम कर सकते हैं, हमने बेशक नहीं उन्हें देखा। लेकिन एहसास उनकी बात, मतलब जो भी बातें हम सुनने को मिलती है वीडियो के थ्रू भी एहसास जो होता है वो अलग ही होता है, इतना ज्यादा खूबसूरत, माय गॉड बहुत अच्छी वीडियो थी। थैंक यू जो भी हमारे सब्सक्राइबर ने हमें ये वीडियो सजेस्ट किया है, और ये वीडियो जो है हमने कौन से चैनल से लिया अभी आपको बताते हैं, ये हमने सरदार ए सदर चैनल से लिया है, तो आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आप ये जो थे पीर साकिब शमी जी, अगर इनकी कोई और भी वीडियोस हैं, कोई बहुत अच्छी वीडियोस है तो हमें ज़रूर बताना, हम ज़रूर रिया करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने इनकी वीडियो पर रिया किया और इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी वाइब्स है ना, मतलब बहुत ऐसा पॉजिटिविटी वाइब, मतलब पॉजिटिव वाइब्स ऐसा था, मतलब सुनते रहो, ऐसा नहीं हम बोल नहीं रहे थे, मतलब ऐसा कि खत्म ना हो वीडियो, चलती रहे उनकी, और हम बातें सुने कि वो कैसे थे सब कुछ, तो बहुत खूबसूरत थी वीडियो। और ये जो है जैसा मैंने आपको बताया सरदार ए सदर चैनल से लिया है, और आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आता है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी? और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ताकि हमारी नबी है तो उनकी बात सबको पता चलना चाहिए ना कि नबी, मतलब हम नॉन मुस्लिम्स हैं बट स्टिल एहसास फील कर सकते हैं हम उनका, बहुत अच्छा है। तो यस कि कितना अच्छा, मतलब कैसे दिखते थे, कैसा था सब बहुत अच्छा। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय। Thank you.